हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स एट लाइट। चलिए देख लेते हैं आज मार्केट कैसा गया, कल मार्केट कैसा जा सकता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है एंड कल इंट्राडे के लिए कौन कौन सा स्टॉक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं रियली टाइम फ्रेम में। बैंक निफ्टी में NR7 पैटर्न ऑलरेडी बन चुका है दोस्तों। कंटिन्यूअसली 7 दिन से मार्केट एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। NR7 का मतलब जिनको नहीं पता, NR का मतलब होता है नैरो रेंज, 7 का मतलब 7 दिन तक अगर एक ही पर्टिकुलर रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड करता है तो उसका एक डायरेक्शनल मोमेंटम हम लोग को दिखा सकता है। NR7 भी होता है, NR4 भी होता है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो कमेंट सेक्शन में NR7 लिख दीजिए, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। अभी देखिए यहाँ पे अपसाइड में हम लोग का रेंज था 41,530, उसके नीचे था 41,400 का रेजिस्टेंस जोन और नीचे है 41,000 से लेके 40,850 का जोन, 150-150 पॉइंट का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है। मार्केट कंटिन्यूसली इसके अंदर ट्रेड कर रहा है। मार्केट ऊपर तो गया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से इसी रेंज के अंदर आ गया। अभी देखिए यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। तो यहाँ पे कुछ हेजी सा पिक्चर है, दिख नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे इसको लाइन चार्ट में करता हूँ, आपको एक व्यू दिखाता हूँ जो मुझे लग रहा है एक प्रोबेबिलिटी है तो आप लोग इसे शेयर करना बनता है। मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम किया था, यहाँ पे एक हाई लगाया, मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे एक हाई लगाया, एक डबल टॉप जैसा बनाया, फिर मार्केट में अच्छा एक मोमेंटम गया नीचे साइड में, फिर एक यहाँ पे हाई लगाया, ये फिर से यहाँ पे ट्रिपल टॉप बन गया, फिर मार्केट नीचे आया। लेकिन इस बार क्या हुआ, इतना बड़ा मोमेंटम नहीं आया नीचे। ये जो टोटल मोमेंटम हुआ था इसका 50-60% से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अगर यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम करता है, 3 बार इस लेवल को टेस्ट कर चुका है, इसके ऊपर क्लोजिंग देने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आने वाले टाइम में अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी पैटर्न आपको दिख जाएगा। तो अपसाइड में ये जो टोटल मोमेंटम की आप कैलकुलेट करो तो ऑलमोस्ट 2 से लेकर 250, 2,500, थोड़ी 2,000 तक लेकर 2,500 का मोमेंटम अपसाइड में हम लोग को दिखा सकता है मार्केट इजीली। ये मेरा प्रोबेबिलिटी है। तो मार्केट में लॉन्ग टर्म में मैं अभी भी अपना व्यू बुलिश रखना पसंद करूंगा जब तक ये जो जोन है इसके नीचे मार्केट क्लोज नहीं करता, ठीक है। तो एक काम करते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चलते हैं, कल का क्या सीनरी रहेगा उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। जो ड्राइंग्स है वो ऑन कर लेता हूँ। अभी देखिए कुछ दिन से मार्केट एक ही रेंज पे ट्रेड कर रहा है तो मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। अपसाइड में रेंज आपको ऑलरेडी पता है, ये हम लोग का रेजिस्टेंस है, ये हम लोग का सपोर्ट है। डेली टाइम फ्रेम में आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। कल का क्या प्लानिंग रहेगा उसके बारे में आज जान लेते हैं। आज हो गया आ जाएगा, आज खुला था मार्केट 200 पॉइंट्स के आसपास गैप अप, मार्केट नीचे आया था फिर अपसाइड में गया था। मार्केट अपसाइड के आसपास से कल जो ब्रेकडाउन किया था उसी लेवल के आसपास से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, ग्रेजुअली मार्केट नीचे आया, 41,000 के आसपास से मार्केट ने एक सपोर्ट लेके इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दिया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें कंटिन्यूअसली बैंक निफ्टी में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, गैप अप हो रहा है कंटिन्यूअसली। मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आके नीचे क्लोजिंग दे रहा है, गैप अप नीचे क्लोजिंग दे रहा है नीचे क्लोजिंग, आज भी गैप अप हुआ नीचे क्लोजिंग, तो कंटिन्यूअसली सेम हो रहा है। ये पैटर्न चेंज होने का टाइम अभी आ चुका है मेरे हिसाब से। ये अगर चेंज होता है तो मार्केट में डायरेक्शनल मोमेंटम भी हम लोग को दिखा सकता है। अभी कहाँ पे होगा वो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, जब तक ये लेवल्स मेंटेन है तब तक इसके बीच में बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिखा सकता। अगर इसके नीचे निकलता है या अपसाइड में निकलता है तभी हम लोग को डायरेक्शनल मोमेंटम मिल सकता है, उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। अभी देखिए क्लोजिंग मार्केट ने दिया है 41,100 के आसपास। देखिए अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है तो हम लोग का सिचुएशन क्या रहेगा, अगर फ्लैट खुलता है मार्केट नीचे आता है, 41,000 का हम लोग का सपोर्ट है, उसके नीचे 40,900, अगर ये ब्रेक करता है 40,900 उसके नीचे 40,850 जो हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है बहुत ज़्यादा मार्केट में मोमेंटम नहीं आएगा। अगर नीचे भी आता है यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट में बायर्स बाइंग करने का कोशिश करेंगे, सेलर्स भी सेलिंग करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फाइट हो सकता है, तो थोड़ा साइडवेज टू कंसोलिडेट कर सकता है, वोलेटाइल रहेगा इसी जोन के अंदर। अगर इसके नीचे 5 to 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज कर देता है हम लोग सेलिंग साइड में इजिली जा सकते हैं। 40,750, 40,650 ये सारा हम लोगों का टारगेट रहेगा। 650 के नीचे निकलता है और बड़ा नीचे की साइड में मोमेंटम दिखा सकता है। अभी अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो और एक कंडीशन है, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट को गैप अप खुलना पड़ेगा। जैसे आज हम लोगों ने डिस्कस किया क्या था कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है और ऊपर सस्टेन करता है उसके बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद 500 to 530 का लेवल ब्रेक करता है, बाइंग करेंगे, 600-670 ये टारगेट रहेगा, 670 to 700 का हर्डल है, निकाल देता है, ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। लेकिन वो हुआ नहीं, मार्केट खुलता ही यहाँ पे नेगेटिव आ गया, जैसे कंटिन्यूसली कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं। अभी देखिए कल का सेंटीमेंट भी सेम ही रहेगा, मार्केट अगर 250 जहाँ पे मार्केट ने कुछ दिनों से यहाँ पे लो लगाया, मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है, अगर मार्केट 250 to 240 ये लेवल के ऊपर मार्केट कहीं पे खुलता है या मार्केट यहाँ पे खुल के इसके ऊपर क्लोजिंग करता है, थोड़ा बहुत हम लोग बाइंग साइड में जा सकते हैं, लेकिन बहुत एग्रेसिव नहीं बाइंग करेंगे क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा इस बिटवीन जोन पे है, तो थोड़ा बहुत साइडवेज तो वोलेटाइल कर सकता है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा हम लोग ड्रैग करके रखेंगे।
अगर ये ब्रेकआउट करता है 350 तक का टारगेट रहेगा, उसके ऊपर 450 तक का रहेगा, उसके बाद 450 से लेके 530 या 550 तक का एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये निकाल देता है, 530 के ऊपर निकाल देता है, तो और बड़ा मोमेंटम दिखा सकता है। 600, 670, 70 के 670 टू 700 के ऊपर निकलता है तो ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट बढ़ते हुए जा सकता है, ठीक है। लेकिन मार्केट अगर 200-300 पॉइंट गैप डाउन खुल गया, तब उनका सिनेरियो क्या रहेगा? गैप अप के बारे में, फ्लैट के बारे में बात कर लिया। अगर 200-300 पॉइंट मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ये लेवल ब्रीच हो जाएगा, तो तब हम लोग वेट करेंगे सिर्फ कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है। उसके नीचे अगर मार्केट डायरेक्टली खुलता है, मार्केट का सेंटिमेंट ऑलरेडी थोड़ा बहुत शॉर्ट टाइम में नेगेटिव है, बहुत लोग पुट बाई करके लेके गए होंगे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अगर प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन कैंडल दिखा इस पर्टिकुलर जोन के आसपास से, एक शूटिंग स्टार जैसा कोई भी कैंडल दिखा, उसके ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के मैं सेलिंग साइड में थोड़ा बहुत प्लान करूंगा। डे लो निकाल देगा तो और बड़ा मोमेंटम दिखा सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली एक बहुत बड़ा कैंडल यहाँ पे बन गया और क्लोजिंग फिर से 41,000 के ऊपर दिखा दिया, तब मैं बाइंग साइड में प्लान करूंगा। जैसे ही थोड़ा बहुत छोटा मोटा स्टॉप लॉस डालने का जगह मुझे मिल जाएगा उसके, और कोई भी एक रिजेक्शन कैंडल मिलेगा लास्ट सपोर्ट के आसपास से, तब मैं बाइंग साइड में प्लान करना पसंद करूंगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कल कैसे मोमेंटम रहेगा, कल कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे। कल एक्सपायरी भी है, तो अगर बीच में रहता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, लेकिन इनर सेगमेंट बन चुका है तो थोड़ा बहुत एक डायरेक्शनल प्लान हम लोग कर सकते हैं। तो देखते हैं कहाँ मार्केट कहाँ पे खुलता है और कहाँ पे ब्रेकआउट करता है, उस हिसाब से हम लोगों का प्लानिंग रहेगा। चलिए निफ्टी देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। निफ्टी में आज अराउंड 30-40 पॉइंट्स के आसपास गैप अप खुला मार्केट। अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझना है। अभी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, कल जो हम लोग का कैंडल था उसी कैंडल को ऑलमोस्ट इनगल्फ कर लिया है। अगर ये इनगल्फिंग कैंडल अच्छे से होता, अगर ये जो क्लोजिंग आज दिया ये अगर कल का कैंडल के नीचे अगर क्लोज करता तो बहुत ही अच्छा एक इनगल्फिंग कैंडल बनता, तो मार्केट को एकदम नीचे जाना तय था मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ पे फिर भी हम लोग इसको इनगल्फिंग कैटर्न मानते हैं, तो थोड़ा बहुत मार्केट को हम लोग नेगेटिव साइड में प्लान करेंगे। और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत गैप वगैरह है, तो गैप फिल करने के लिए नीचे की साइड में थोड़ा बहुत आ सकता है, ये मेरा मानना है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चलते हैं, ड्राइंग्स ऑन कर लेते हैं, कल का क्या सीनरियो रहेगा उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे तीन कंडीशन है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है या गैप अप खुलता है, तो हम लोगों का प्लानिंग क्या रहेगा, प्ले ऑफ एक्शन क्या रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, देखिए मार्केट फर्स्ट यहाँ पे हाई लगाया था, मार्केट नीचे आ गया, फिर आज इसी लेवल के आसपास अगर खुलता था, अगर फ्लैट खुलता उसके बाद अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता, अपसाइड में हम लोगों का प्लानिंग ऑलरेडी था, ये सारा हम लोगों का टारगेट रहता है। लेकिन मार्केट क्या हुआ, फिर से थोड़ा बहुत गैप अप खुला, कल जो जहाँ से रेजिस्टेंस लिया था उसी लेवल से मार्केट ने एक अच्छा सेलिंग मिला, जहाँ पे जैसे बैंक निफ्टी में दिखा, फिर ग्रेजुअली मार्केट नीचे आया। लास्ट जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था 17,180 के आस 60 के आसपास से, मार्केट फिर से उसी लेवल से सपोर्ट लिया और क्लोजिंग से अराउंड 18,070 के आसपास दिया है। अभी मार्केट डे का जो लो है और कल का डे का जो लो था, इसी जो सपोर्ट जोन है उसी लेवल के आसपास मार्केट ने क्लोज दिया है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो नीचे जाने का सिनेरियो हम लोग थोड़ा पकड़ के चलेंगे, इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस में हम लोग काम करेंगे। 18,000 तक का फर्स्ट टारगेट 18,000-1520 का रहेगा, उसके नीचे 17,990 का रहेगा, ये सारा हम लोग का टारगेट रहेगा। अगर 17,992-18,000 के नीचे 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज करता है, तब नीचे की साइड में और बड़ा प्लान करेंगे। 17,950-17,900 ये सारा हम लोग का नीचे की साइड में टारगेट रहेगा। अभी अगर मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है, डे लो के आसपास ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, तो अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो सबसे पहला कंडीशन है मार्केट 18,000 के ऊपर खुल रहा है या 18,000 के नीचे खुल रहा है। अगर 18,000 के ऊपर खुल रहा है तो जैसे इस लेवल के आसपास आएगा यहाँ पे कोई भी बाइंग आ सकता है। रेजिस्टेंस कैंडल के ऊपर बेसिस के हम लोग छोटा सा एक बाइंग कर सकते हैं, डे हाई तक का या डे क्लो आज का जो क्लोजिंग था या जो जो लो लगाया था ये लेवल तक का हम लोग का इनिशियल टारगेट रहेगा। अगर फ्लो में इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो और बड़ा अपसाइड में बड़ा टारगेट हम लोग प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट 18,000 के नीचे खुलता है तब हम लोग का प्ले ऑप्शन डिफरेंट रहेगा, तो हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर खुलते ही एक बहुत बड़ा कैंडल देके फिर से 18,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, डे लो या डे का जो क्लोजिंग है ये निकालने देंगे, तब हम लोग थोड़ा बहुत बाइंग साइड में प्लान करेंगे। अगर खुलते ही ऊपर जाके फिर ये जो जहाँ से हम लोगों ने क्लोजिंग दिया था इसी लेवल से कोई भी रिजेक्शन कैंडल मिलता है, उसके बाद ये रिजेक्शन कैंडल का जो लो है ये ब्रेक करता है, तब हम लोग इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के थोड़ा सेलिंग साइड में प्लान करेंगे। 18,000 तक का टारगेट रहेगा, 18,000 निकाल देगा तो डे लो तक का टारगेट रहेगा, ठीक है। ये हम लोगों का प्ले ऑफ एक्शन रहेगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट को गैप अप खुलना पड़ेगा, एटलीस्ट 17,820 या 18,130-40 के आसपास यहाँ पे कहीं पे खुलता है। खुलने के बाद अगर प्राइस यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि खुलते ही ब्रेकआउट कर दिया तब मैं इंटरेस्ट नहीं लूँगा। अगर खुलने के बाद थोड़ा यहाँ पे प्राइस हॉल्ट करता है उसके बाद इसके ऊपर एक ब्रेकआउट करता है, तो हम लोग बाइंग साइड में इंटरेस्टेड रहूँगा।
18,226, 18,280, 290, देन 18,340, ये सारा हम लोग का अपसाइड में टारगेट रहेगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कैसे निफ्टी में कल ट्रेड हम लोग प्लान करेंगे। चलिए कल के इंट्राडे के लिए स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक, 899.50 के नीचे हम लोग सेलिंग साइड में प्लान करेंगे। इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस में काम करेंगे। 894.50 का फर्स्ट टारगेट, 899.50 का सेकंड टारगेट रहेगा। 903 का स्टॉप लॉस डाल के नीचे की साइड में कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे बाइंग भी हो सकता है अगर मार्केट अच्छा खासा गैप अप खुलता है, जहाँ से मार्केट ने सेलिंग लिया था इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है 913.60 के ऊपर, तब हम लोग बाइंग साइड में प्लान करेंगे। 6 रुपये का स्टॉप टारगेट एंड 2-3 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के अपसाइड में आप कंटिन्यू कर सकते हो। फिर नेक्स्ट स्टॉक है डीएलएफ। डीएलएफ में भी यहाँ पे थोड़ा एक बाइंग सीनरियो बन रहा है। यहाँ पे मैं आपको स्टैट्स बता देता हूँ। मार्केट यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा सीनरियो बनाया था, उसके बाद मार्केट अच्छा एक सेल ऑफ आया, लास्ट मोमेंट में यहाँ पे अच्छा एक बाइंग आया, जहाँ से मार्केट ने एक ब्रेकडाउन किया था 15 मिनट्स का टाइम, 15 मिनट्स का कैंडल का, उसी लेवल से मार्केट ने रिएक्शन लेकर नीचे क्लोजिंग दिया है। अभी मार्केट यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत इसका फिर से ऊपर क्लोजिंग करता है तो हम लोग बाइंग साइड में जा सकते हैं। 388 के ऊपर बाई करेंगे। 391 का टारगेट रहेगा फर्स्ट। 386.70 का स्टॉप लॉस डालेंगे, या तो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे बफर रख के भी स्टॉप लॉस डाल सकते हो। अगर टारगेट हिट हो जाए अप साइड में कंटिन्यू करें तो कंटिन्यू करना, स्टॉप लॉस 390 के आसपास ट्रेल कर लेना, उसके बाद अप साइड में कंटिन्यू करना, अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हम लोग का रिलायंस। रिलायंस में हम लोग तभी एंट्री लेंगे जब मार्केट में थोड़ा बहुत गैप अप खुलेगा। और यहाँ पे देखिए क्या सीनरी हुआ, 22,600 के आसपास मार्केट खुला था, अच्छा सेलिंग आया, मार्केट यहाँ पे थोड़ा पॉज लिया, फिर यहाँ से एक अच्छा सेलिंग आया। अभी मार्केट का आज क्या खुला, इसी लेवल के खुला, थोड़ा बहुत मार्केट अपसाइड में रिकवरी किया है, ठीक है। अभी यहाँ से शार्प सेलिंग आया मार्केट में, अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है, जहाँ से शार्प सेलिंग आया इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है, डायरेक्शनल मोमेंटम मिल सकता है अपसाइड में। 2565 के ऊपर हम लोग बाई करेंगे क्लोजिंग बेसिस पे। 2581 का फर्स्ट टारगेट, 2599 का सेकंड टारगेट रहेगा, 2554 का स्टॉप लॉस, या तो ब्रेकआउट कैंडल के थोड़ा नीचे बफर रख के भी आप अपना स्टॉप लॉस डाल के अपसाइड में कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्ट स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल कंटिन्यूसली 3-4 दिन से दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और कहीं ना कहीं ये लो अपसाइड में शिफ्ट हो रहा है, तो मेरा व्यू मार्केट में थोड़ा बुलिश है। अगर मार्केट कल ये लेवल निकाल देना चाहिए आराम से, अगर इसके ऊपर निकालता है अपसाइड में अच्छा एक डायरेक्शनल मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो 1, 2, 3 ऑलमोस्ट 3-4 दिन हो चुके हैं मार्केट एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो एक डायरेक्शनल मोमेंटम मिल सकता है। 306 के ऊपर बाई करेंगे। 308 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। 304.60 का स्टॉप लॉस डाल के कंटिन्यू कर सकते हो, या तो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे थोड़ा बहुत बफर रख के भी स्टॉप लॉस डाल सकते हो। अगर टारगेट हिट हो जाए तो डायरेक्शनल मोमेंटम और बड़ा अपसाइड में प्रॉफिट दे सकता है, स्टॉप लॉस ट्रेल करके अपसाइड में कंटिन्यू करना, अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।